हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये HTML का बेसिक कोर्स है, इसमें हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, ये हमारी HTML से रिलेटेड तीसरी वीडियो, और इसमें हम हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा HTML है उसमें 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं। सबसे पहली H1 होती है, फिर सेकंड जो है ये H2 है, ये H3 टैग है, ये H4 है, ये H5 और ये H6। टोटल 6 टाइप की जो हमारे एच टैग होते हैं, हेडिंग टैग्स होते हैं। तो मैं इसको आपको कोड एडिटर में दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मैंने पहला H1 टैग जो है वो सबसे टॉप वाली हेडिंग है जो ये है, इसको दिया हुआ है। और बिलतरतीब सेकेंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, तो ये आप देख सकते हैं ये बिलतरतीब बड़े से छोटा जो है स्मॉल फाउंट में होता जा रहा है। बिलतरतीब H1 टैग जो होता है वो हम अपनी मेन हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और H2 जो है हमारा सब हेडिंग वगैरह के लिए काम आता है। मुख्तलिफ जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हेडिंग टैग था। इसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ टैग, यानी कि पी टैग। पी टैग बेसिकली हमारा टेक्स्ट को जो है अरेंज करने के लिए होता है, टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट लिखने के लिए है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये अगर मैं यहाँ पे मैंने ये दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं और इनके बीच में एक ब्रेक लगाई हुई है, ब्रेक टैग लगाया हुआ है, यानी कि ये लाइन ब्रेक कर देता है। तो अगर मैं ब्रेक टैग हटा दूँ तो ये कैसा दिखता है? तो फ्रेंड ये देखें, ये इसके बीच में जो गैप था वो ख़त्म हो गया ब्रेक टैग से। और अगर मैं ये दोनों टैग हटा दूँ और इसको जो है यहाँ से इसका ओपनिंग टैग है और यहाँ से क्लोजिंग टैग है, और आप देख रहे हैं कि बीच में ये वाइट स्पेस भी है, लेकिन ये वाइट स्पेस काउंट नहीं होती, इसलिए मैंने दो अलग अलग पी टैग यानी पैराग्राफ टैग बनाए हुए थे। तो मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर अभी कुछ स्पेस सी है, यानी कि ये दो अलग अलग पैराग्राफ थे। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा कि इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल एक पैराग्राफ हो चुका है, और इसी वजह से मैंने उसको दो अलग अलग पैराग्राफ में लिखा हुआ था। लेकिन इसको आप फिर भी अब ब्रेक लगाकर जो है वो अलग अलग दिखा सकते हैं। जैसा कि मैं एक ब्रेक लगाता हूँ तो ये यहाँ पर इस तरह हो जाता है, और अगर मैं सेकंड ब्रेक लगाता हूँ तो ये फिर उसी तरह उसी शेप में आ जाता है। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट को, लेकिन उसके लिए आपको टेक्स्ट के बीच में ब्रेक लगानी होगी, ब्रेक टैग लगाना होगा। तो ये तो दोस्तों हमारा जो है पैराग्राफ टेक्स्ट था। अब हम देखते हैं हमारा प्री टैग क्या करता है। प्री टैग मैं लगा देता हूँ ये सबसे ऊपर वाली पे, तो सेव करता हूँ और देखते हैं। तो दोस्तों ये देखें, मैंने ऊपर वाले टॉप पर जो है पैराग्राफ पे प्री टैग लगाया था। तो ये दोस्तों, ये प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टैक्स्ट, यानी कि ये ऑलरेडी जो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट होता है ये उसी को एज इट इज़ जो है डिस्प्ले कर देता है। तो जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है इसमें कहीं पे भी लाइन ब्रेक नहीं है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर एक एंटर करके दिखाऊं, देखें मैंने यहाँ पर एक एंटर किया, सेव किया, और अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। ये देखें, ये जैसे ही मैंने एक एंटर, अगर मैं यहाँ पर सेकेंड लाइन में एक और एंटर करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये लाइन भी, तो ये जैसे 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 भी हम टेक्स्ट लिखेंगे और ये वाइट जो स्पेस होती है उसको भी ये काउंट करता है। तो अगर मैं इसको वाइट स्पेस को थोड़ा सा मैं कम कर दूं तो आप देखेंगे कि इस पर क्या असर पड़ता है। ये देखें, ये वाइट स्पेस भी इसने, ये असल में जैसे आपका टेक्स्ट होगा ये प्री टैग उसको वैसे ही आपको शो करा देगा। प्री टैग का HTML में ये काम होता है कि जो आपका टैग है, जो आपका टेक्स्ट है उसको एज इट इज़ शो करा देता है वो वेब ब्राउज़र में। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है उसके हवाले से नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो वो काइंडली वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा।